दोस्तों आर्मेचर रिप्लेस हो चुका है, बैरिंग वगैरह सारा ओरिजिनल सामान लगा दिया है, चलाकर चेक कर लेते हैं। मशीन तो फर्स्ट क्लास चल रही है, देखिए बिल्कुल वाइब्रेशन भी नहीं है, लेफ्ट राइट भी बिल्कुल नहीं हिल रही है, मशीन शानदार चल रही है। ऑफ करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे पास है रिपेयर के लिए पॉलीमैक का एंगल ग्राइंडर। तो एंगल ग्राइंडर को किस तरह से चेक करना है, किस तरह से ठीक करना है, एंगल ग्राइंडर रिपेयरिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त भरत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एंगल ग्राइंडर की रिपेयरिंग। सबसे पहले दोस्तों ग्राइंडर के बारे में जान लो। यहाँ पर पॉलीमैक का ब्रांड यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, PMAG 4-670 भी इसका मॉडल है, बाकी ये मिटा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ग्राइंडर को हम सीरीज के अंदर ही चलाकर चेक करेंगे। तो ये हमने लगा दिया है सीरीज के अंदर, लीड कंटिन्यूटी आ रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ऑन ऑफ स्विच भी वर्क कर रहा है, तो डायरेक्ट सप्लाई में लगाएंगे और ऑन कर दिया है हमने तो ठीक रहा है। बाकी स्पार्क ज़्यादा आ रहा है, ये देखिए RPM भी स्लो हो गए हैं, स्पार्किंग ज़्यादा आ रहा है। तो मशीन को ऑफ करते हैं, इस कंडीशन में ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मशीन का कार्बन बुशी हम चेक करेंगे, बाकी लग रहा है इसका आर्मेचर शॉर्ट हो चुका है। तो कार्बन बुश यहाँ से साइड से ही खुल जाते हैं, इसमें कार्बन बुश इसमें गलत लगाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लूज है। दूसरे वाला कार्बन बुश भी खोल लेते हैं। तो ये दोनों कार्बन बुश इसमें 24-10 मॉडल के लगाए हुए हैं जो कि गलत हैं इसमें। तो यहाँ पर आर्मेचर को निकालना पड़ेगा, तो आर्मेचर को फटाफट से यहाँ से खोल लेते हैं। 4 स्क्रू, हेड अलग हो गया है, तो हेड को तो रखते हैं साइड में और यहाँ पर अब निकालेंगे आर्मेचर। तो IG प्लेट को निकाल दिया हमने, ये आर्मेचर आसानी से बाहर आ गया है। अंदर की तरफ फील्ड के अंदर कोई रगड़ वगैरह नहीं है, कोई जला हुआ कुछ नहीं है, तो अंदर से तो बिल्कुल ओके है, तो इसको तो रखते हैं। तो यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर का कम्यूटेटर यहाँ से पूरा ब्लैक हो रखा है, शॉर्ट हो रखा है, देखिए वायरिंग भी यहाँ से। तो बैरिंग भी इसका लूज है, दोनों बैरिंग इसके लूज हैं और ये रबड़ सीट भी इसकी लूज है। तो 607 नंबर का बैरिंग है पीछे वाला, तो ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। आगे वाला बैरिंग भी लूज करना पड़ेगा, तो इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले तो 10 नंबर का स्पैनर और इसको यहाँ पर इस तरह से रख के पूरा टाइट पकड़ के घुमाएंगे तो ये देखिए खुल जाएगा आराम से। तो ये गियर आराम से निकल गया है और ये IG प्लेट भी इसका आराम से निकल गया है। तो अब देखिए आर्मेचर तो बिल्कुल ओरिजिनल है, बाकी कार्बन बुश गलत लगाने की वजह से शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये बैरिंग है जो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्ले कर रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं। IG प्लेट को इस तरह से रख लेंगे और ये आराम से नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो ये बैरिंग को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, इसके नंबर 629 नंबर का ये बैरिंग है, देख पा रहे हैं। ये आ चुका है हमारा सारा नया स्पेयर जो इस ग्राइंडर में हम लगाने वाले हैं। तो दो बैरिंग है, एक कार्बन बुश है और एक है ओरिजिनल आर्मेचर। तो सबसे पहले तो कार्बन बुश देखिए, डोंगचेंग ब्रांड है और इसका मॉडल देखिए DPL-8 स्क्रू मशीन के हैं कार्बन बुश, ये बिल्कुल इस मशीन में परफेक्ट आएंगे, बहुत ही अच्छे से चलेंगे। तो ये देखिए दो बैरिंग है, तो यहाँ पर बैरिंग भी सिंपल नहीं है SCH के, यहाँ पर देखिए आप 607 नंबर 629 नंबर के V3 के बैरिंग हम इस मशीन में लगाने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो अब देखिए आर्मेचर, तो पॉलीमैक के ब्रांडिंग आप देख पा रहे हैं बॉक्स के ऊपर, ये इसका मॉडल देखिए PMAG 4-670B इसका मॉडल है। और इधर देखिए दोस्तों इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इम्पोर्टेड बाय, मतलब पूरा एड्रेस वगैरह पूरा लिखा हुआ है, मॉडल भी लिखा हुआ है इधर, और डिस्क्रिप्शन में इसका रोटर नाम और इसका वज़न यहाँ पर 400 ग्राम और MRP इसकी 899 है। और यहाँ पर देखिए इंपोर्टेड ऑन जो डेट है यहाँ पर 11/2023। तो खोल लेते हैं बॉक्स को और देखते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर के अंदर खास कोई पैकिंग नहीं है, देखिए पोलोथीन वगैरह कुछ नहीं था जिससे मॉइस्चर से थोड़ा सा जंग आ गया है, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पुराने से मैच कर लेते हैं। तो जेन्युइन है, बिल्कुल सेम है। तो आर्मेचर को तो रखते हैं नीचे, ये बैरिंग है जो बैरिंग को खोल लेते हैं फटाफट से दोनों को। तो ये देखिए दोनों बैरिंग हमने खोल लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर V3 बैरिंग के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बैरिंग है ये और रेट वाइज भी ज़्यादा महंगे नहीं है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं पहले तो 607 नंबर का बैरिंग पीछे वाला, और अब यहाँ पर 629 नंबर का बैरिंग लगाएंगे। तो इसको लगाना पड़ेगा सबसे पहले IG प्लेट में, इसको पूरा फिक्स कर लेंगे, अब लगा देंगे IG प्लेट को आर्मेचर के ऊपर, आराम से लग जाएगा, ठोकने पीटने की ज़रूरत नहीं है। गियर लगाएंगे और ऊपर से इसका नट लगाएंगे और यहाँ पर 10 नंबर के स्पैनर से इसको पूरा टाइट कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये लूज नहीं होगा चलते वक्त। रबड़ सीट इसका कटा हुआ है, लूज है, तो यहाँ पर हम नया ही लगाएंगे। तो इस ग्राइंडर में बोस 6100 जो मॉडल होता है उसका रबड़ सीट बिल्कुल फिक्स आएगा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सेट आएगा इसमें। तो चलिए आर्मेचर को यहाँ पर डाल लेते हैं फील्ड हाउसिंग के अंदर
और ये हमारा आर्मेचर, ये देखिए आराम से बैठ गया है। हल्का सा ठोक लेंगे आगे से प्लास्टिक हैमर से और घुमाकर चेक कर लेंगे, बिल्कुल फ्री घूम रहा है, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। तो अब करेंगे ग्रीसिंग, तो हेड के अंदर यहाँ पर ग्रीस करना काफ़ी ज़रूरी है। जेल ग्रीस का यूज़ करेंगे गियर के लिए ताकि मशीन का साउंड बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। अब सेट कर देते हैं गियर बॉक्स को मशीन के ऊपर और इसके चार स्क्रू लगाकर बराबर से पूरे टाइट कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है आमने सामने क्रॉस में स्क्रू टाइट करने हैं, इससे मशीन बिल्कुल सेट हो जाएगा आराम से, कोई भी ठोकने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है देख पा रहे हैं। अब लगाएंगे कार्बन बूश, तो कार्बन बूश इसमें हम यूज़ कर रहे हैं DPL8 के। पुराने वाले कार्बन बूश देखिए कितने छोटे हैं और होल्डर के अंदर भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन होल्डर है जो कितना ज़्यादा लूज है, तो इसी वजह से इसका आर्मेचर शॉर्ट हुआ था। तो प्रॉपर मशीन के अंदर सेम और ओरिजिनल ही कार्बन बुश यूज करना चाहिए। तो ये जो कार्बन बुश है बिल्कुल सेट आ रहा है मशीन के अंदर। तो अब लगा देते हैं कार्बन बुश का कैप, तो ये कैप लगा दिया है, दूसरा वाला कार्बन बुश भी हमने लगा दिया है, इसका कैप भी लगा दिया है। कैप को ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको, वरना ये फंस जाएगा और टूट जाएगा। तो ये आर्मेचर, दोनों बैरिंग, रबड़ सीट और ये कार्बन पूरा हमने रिप्लेस कर दिया है नया। तो मशीन को फाइनल चेक कर लेते हैं, प्लग को ऑन कर दिया है और ये मशीन हमारी चल चुकी है, देख पा रहे हैं मशीन बिल्कुल स्मूथ चल रही है। मशीन का वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं, मशीन के अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, देखिए मशीन बिल्कुल भी नहीं हिल रही है अपनी जगह से, लेफ्ट राइट बिल्कुल भी नहीं सरक रही है। तो बिल्कुल ओके चल रही है मशीन, बिल्कुल नए की तरह वर्क कर रही है। ऑफ करते हैं मशीन को। दोस्तों इसके अलावा सभी तरह के पावर टूल्स की रिपेयरिंग की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा एंगल ग्राइंडर के अंदर हमने ओरिजिनल आर्मेचर रिप्लेस कर दिया है पॉलीमैक का, और जो दोनों बैरिंग खराब थे वो भी हमने रिप्लेस कर दिए हैं, रबर सीट भी इसका लूज था वो भी हमने चेंज कर दिया है, और कार्बन बुश भी इसमें डोंगचेंग DPL8 के लगाए हैं जो कि बिल्कुल इस मशीन में सेट आए हैं और बिल्कुल भी इसमें वाइब्रेशन भी नहीं है, मशीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो चुका है। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।